Assalamu alaikum, namaskar, sasriya khal, adab, khim, chok, asaka, hello but welcome, barakham. Marahit Fakir Muhammad Sulgar, aap sabka mere channel pe phir se ek baar hardik swagat karta ho. So guys, teen divas ami lagna madhe khub busy ho to. Shaadi mein hum log teen din bahut busy the. Ji haan, do bhai logon ki shaadi thi to usme bahut busy the. So shaadi hone ke baad unke dono bhai logon se, dono dhulon se hum logon ne party mangi. To un log bole ki jao tum log party karo, jo tumhe karna hai wo karo. So uske baad baki sab bhai log bhi Mumbai se aaye hain. पापा भाई सरफराज, पापा भाई सिकंदर भाई, तौकीर, तोहीद, ये सब मुंबई से आए हैं. सो आज हम लोग पार्टी करने वाले. पार्टी हम लोग कैसी करने वाले, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, जो पुरानी यादें थी ना, वो आज हम लोग पुरानी यादें फिर से ताज़ा करने वाले जी. सब तैयारी करी हम लोगों ने, तो अभी चलते एंड काम में लग जाते. तो चलो 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 चलो. तो अभी यहाँ पर पापा के घर पर सब सामान रखा है. सामान हमें गाँव में लेके जाना है और ये रहमत नगर में घर है. सब नीचे लेके जाएगी हम लोगों के पास दो बाइक है, एक एक्सेस है एंड एक पल्सर है. ये 8 किलो चिकन लिया है. अब ये चिकन हम लोगों को यहाँ से धोना है. ये हम लोगों ने पड़ेल कैंटीन जाके लाया है. चिकन लेग पीस है राइट भाई, हाँ. बच्चे लोग का फेवरेट है, तो इसलिए वो चिकन लेग पीस अच्छे लगे मुझे. ये चिकन तंदूरी मसाला है, ये रेडीमेड मिलता है. अच्छा. दुकान वाले तो बोले भाई ये यूज करो, तो अपन सब में यूज नहीं करने वाले, सिर्फ तंदूरी के लिए यूज करेंगे. सिर्फ तंदूरी के लिए यूज करेंगे क्योंकि अभी पहली बार है ना, तो इसलिए. इसमें मिक्स करने वाले ना. हाँ, मिक्स करने वाले. रेडीमेड मिलता है भाई, ये रेडीमेड मिलता है. हाँ, अपने कोपन में रेडीमेड मिलता है. दोनों ने बोले ले ये मसाला और सिर्फ दही डालना और कुछ नहीं डालना. ओके. इसमें सब है, अदरक लहसुन पेस्ट है, सब है इसमें, नींबू है, सब है. ओके. गरम मसाला. तो आप लोग देख सकते हैं ये सुहाना चिकन तंदूरी मिक्स बारबेक्यू. सो ये पैकेट आई थिंक 50 रुपए का आता है. काफी अच्छा पैकेट है, अभी हम लोग भी यूज कर रहे हैं. काफी अच्छा रिजल्ट है. दुकान वाले ऐसे बोले कि काफी अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं अपने दुकान से. तो उसके बाद ये मसाले के बाद अपने को दही डालना. दही कितना डालना होगा? दही 100-150 ग्राम. 100-150 ग्राम. ओके, 1 किलो में. तो हम लोग ये दही डाल रहे हैं.
ये राहित भाई हमारा मिक्स करके हो गया, मिक्स करके हो गया। ओके अभी इसको अपन रखेंगे 2-3 घंटा, ऐसे 2-3 घंटा रखा। हाँ 2-3 घंटा रखेंगे। ओके सो हम लोग ये पूरे लेग पीस मिक्स करके हो गए, तो अभी हम लोग इसको 2-3 घंटा रखेंगे। सब तैयारी चल रही है, ये अपने तौफिक सोलकर उर्फ बद्री, नासिर पावस्कर, सरफराज पापा एंड सिकंदर भाई। ये राहित भाई हमारी चाची है, सुबह हम लोग सब यहाँ पर तंदूरी के लिए तैयारी करे। सिगड़ी में अभी हम लोग आग जलाएंगे, उसका कोयला होने देंगे, क्योंकि गांव में कोयला नहीं मिल रहा, जैसा बम्बई में कोयला मिलता है वैसा कोयला गांव में नहीं मिल रहा था किधर। सब लोगों ने भी बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ हुई। फिर फाइज ने अभी सब लकड़ी लेके आया है, सब यही लकड़ी यहाँ पर जलाएंगे। ये फाइज है, ये तौफीक है, ये तौकीर है, ये सरफराज पापा, और मैं आपका अपना राहित सोलकर। पेट्रोल से पेट्रोल माकावन पड़े शिव। अभी ये अपनी सिगड़ी पे आग जल चुकी, गाड़ी बाजू निकल, गाड़ी बाजू निकल, ऐसे एडवेंचर अगर तुम लोग कोकण में कभी आते ना, तो ऐसे एडवेंचर तुम लोग करो, कभी गांव से बाहर आओ। गांव से बाहर आके तुम लोग घर पे तो सब लोग खाना खाते रहेंगे, मगर बाहर की जो जो मजा है ना वो कहीं और नहीं है। कोकण में आप लोग कौन सा भी आपका कहीं भी गांव हो, आप लोग वहाँ पर आओ और ऐसे इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। अभी हम लोग यहाँ पर बारबेक्यू तंदूरी बनाने वाले एंड पूरी रेसिपी सरफराज बावा एंड मेहनत कर रहे भाई। अभी अपने तंदूरी के लिए पूरा कोयला होना चाहिए क्या? हाँ भाई पूरा कोयला आता है, कोयले के नीचे आग लगा देंगे ना, फिर कोयला जलता है, फिर अपना चिकन भाप पे पकता है। अभी कोयला नहीं तो देखो ना कितनी तकलीफ हो रही है राहित भाई, देखो ना पूरा आग ये लकड़ी वकड़ी जलाना पड़ रहा है क्योंकि कोयला ही नहीं है ना। सो अब हम लोग ने इसके कितना टाइम रखे, 3-3 घंटा रखे ना, 4 घंटा हो गया। अभी अपन ये सब सलिया में डालेंगे। हाँ ये सब सलिया में डालेंगे अभी। क्या ये फर्स्ट टाइम कर रहे क्या तुम भी ऐसा कभी? क्या नहीं भाई, ये हम लोग हफ्ते में एक बार, नहीं नहीं गांव में कोकोनो गांव में भाई फर्स्ट टाइम कर रहे। कुछ एडवेंचर करने का था तुम्हारे साथ तो कर लिए भाई।
रख रहे, हम लोग ने मतलब 35 से 40 मिनट वेट किया कोयला बनने का, और हम लोग ने लकड़ी जलाई, लकड़ी जलने के बाद हम लोग ने 35 से 40 मिनट वेट किया कोयले बनने का, फिर भी अभी हम लोग बोले चलो अभी रख दे, पापा भी बोला कि रख देते चलो, अब जितना लेग पीस था सब लेके आए ना अपन। हाँ। कितना टाइम जाएगा फिर भी बनने? ये भाप पे 10-15 मिनट में पक जाता है कोयले पे। ये हम है, ये हमारी तंदूरी है, और तंदूरी के पीछे मेहनत ये है हमारे सरफराज भाई। ये मेहनत नहीं है पापा है। मेहनत घर पे। सो अभी हम लोगों की ये तंदूरी तैयार हो चुकी है, सो अभी हम लोग ये निकालने वाले, तो चलो पापा भाई शुरू हो जाओ, चलिए शुरू करते हैं। चिकन लेग पीस, अब बिस्मिल्लाह बोलना है और खाना ही है, सब लोग खा रहे देखो, असली मेहनत भाई की है, भाई खा रहे। तो हम लोगों का एक राउंड हो गया, उसके बाद अभी ये दूसरा राउंड है, थोड़े से बचे वो भी खाकर ही जाना है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप लोगों ने भी आपके गांव में कभी ऐसा कुछ एडवेंचर किया होगा सो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो क्या बोलते फिर, खुदा हाफिज, मिलते वापस अगली वीडियो में।